नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ ट्रॉली, और मैं आया हूँ एहसान मेकर ट्रॉली में। मैं आया हूँ और यहाँ पे आप मेरे पीछे की साइड को देख रहे हैं, ये कितनी सारी ट्रॉलियाँ हैं जो बन रही है यहाँ पे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ये आप देख रहे हैं, ये बेस मॉडल है, यानी कि इसका बेस है, ये इसका डाला है और ये बनी हुई है पूरी तरीके से। इन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इनमें कौन सी गेज की चद्दर लगाई जाती है, कौन सा चेचिस होता है और क्या क्वालिटी होती है, और कितने दिन में ये ट्रॉली है, ये कितने दिन में तैयार करते हैं, एक ट्रॉली कितने दिन में तैयार होती है, यही सारी बातें हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमसे जुड़ेंगे जो मालिक है यहाँ के, वो हमसे जुड़ेंगे और बताएंगे इनके बारे में। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं। आइए सर जी, अस्सलाम वालेकुम। और पूछ रहा हूँ, क्या नाम है जी अपना? साउन खान। साउन खान, साउन जी आप ये बताइए, कितने टाइम से आप यहाँ पे ट्रॉली बना रहे हैं? मेरे को हो गया करीबन 10 से 12 साल। 10 से 12 साल, यानी लंबा एक्सपीरियंस है ट्रॉली बनाने का, 10 से 15 साल काफ़ी होते हैं। और आपकी ट्रॉली कहाँ, अलवर रामगढ़ लोकल में बनती है या कहीं दूर भी बनाते हैं आप? सब जगह में देते हैं, बाहर भी देते हैं, यहाँ भी देते हैं, यहाँ पे भी देते हैं लोकल में। तो आप देख रहे हैं लोकल में भी देते हैं, बाहर भी देते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए, जो आप ट्रॉली बनाते हैं, जैसे ये तैयार ट्रॉली है, अभी तो कलर वगैरह नहीं हुआ इसका, तो इसमें जैसे ये चेचिस है, ये किस चीज़ का बनाते हैं आप? ये बिजाक का चेचिस है, 8-3 में। 8-3 में बिजाक का चेचिस है जी। अच्छा, इसमें जो डाले की जो चौड़ाई है, जो आप ट्रॉली की जो चौड़ाई है वो क्या रखते हैं आप? 6 फुट। 6 फुट है, और जो लंबाई है वो क्या रखते हैं? 10 फुट। 10 फुट, तो चौड़ाई 6 फुट और लंबाई 10 फुट, और इसकी जो ऊंचाई है? इसकी 2 फुट है। 2 फुट है, यानी 2 फुट ऊंचाई है किसान भाइयों, और 6 फुट चौड़ाई है और 10 फुट लंबाई है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई है। तो उसके बाद में हम पूछते हैं, ये जो आप डंपर लगाते हैं ये कौन सी कंपनी का होता है? इसमें क्या, इसके अंदर जो आप नीचे जो ये डंपर लगाते हैं, हाइड्रोलिक डंपर लगाते हैं जो आप, ये जैक जिसको बोलते हैं, ईगल कंपनी का होता है, ईगल कंपनी का। तो इसके अलावा और भी कंपनियों के आते हैं? हाँ, ईगल है, रीगल है और राधिका है, तीन क्वालिटी लगाते हैं। तीन क्वालिटी लगाते हैं, तो सबसे बेस्ट ईगल आती है। हाँ, ईगल ही आती है। ईगल आती है, ईगल तो क्या है, किसानों की सबसे पहली पसंद है। पहली पसंद है। तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो ईगल है ये किसानों की पहली पसंद है, और आप इनकी जो ट्रॉली है वो काफी वेल फिनिशिंग आती है, यानी कि सफाई के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छी सफाई देते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर। एक मॉडल और निकाला पीछे, देखो कौन सा मॉडल निकाला है। इसमें जो चद्दर है ये टाटा की है, ये टाटा की चद्दर लगाते हैं। हाँ जी, अब और इसमें ये वाला जो निगरान है एहसान रामगढ़, आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो डिजाइन लगाया है इन्होंने, चैनल में से कटा हुआ है बिजाक का, चैनल में से कटा हुआ बिजाक का, जो काफी मोटा है और काफी हैवी है, यानी आप हैवी ड्यूटी बोल सकते हैं इसको। और इन्होंने पूरा अपना वो भी किया हुआ है, एहसान रामगढ़, इन्होंने पूरा अपना एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है, बनाया हुआ कटिंग की हुई है। तो ये एक इनकी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से ये इनको बनाते हैं। इसमें जो चद्दर है ये है जहाज की, ये जहाज की चद्दर है। हाँ जी। तो ये जहाज की चद्दर है, जहाज की चद्दर होने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जंग नहीं लगता है। हाँ जी। लंबे समय तक चलती है चद्दर और जंग नहीं लगता, काफी मोटी और हैवी चद्दर आती है इसके अंदर। जो जहाज में जो चद्दर लगाई जाती है वो चद्दर इसमें यूज करते हैं ये, ऐसा क्या बोलते हैं साउन जी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी सही है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रॉली बनवाते हैं तो इनके साउन जी के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रॉली बनवा सकते हैं। तो साउन जी, ये जो ट्रॉली है ये कितने क्विंटल की है, कितने केजी की है? 18 क्विंटल की है। 18 क्विंटल की है, तो आप देख रहे हैं 1800 केजी की ये है, और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मतलब बड़ी ट्रॉली है। डंपर भी बनाते हैं आप, बड़े वाला? हाँ जी, बड़ा डंपर भी बनाते हैं, बड़ा डंपर भी ये बनाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये इनका बेस मॉडल है, यानी कि बेस है इसका, इस पे ये डाले वगैरह लगाए जाएंगे, जैसे ये डाले लग रहे हैं टाटा की चद्दर, ये देख रहे हैं आप टाटा की चद्दर है, पूरी सील वगैरह है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप टाटा स्टील। तो कोई भी मतलब जो किसान है वो पहचान जाएगा कि टाटा की ओरिजिनल चद्दर लगाई जाती है इसके अंदर। तो ये जो भी काम करते हैं जेनुइन काम करते हैं और बढ़िया काम करते हैं। आप देख रहे हैं ग्राइंडर वगैरह से फिनिशिंग वगैरह की हुई है इसकी ट्रॉली की, डाले की,
तो ये डंपर और ट्रॉली दोनों चीजें बनाते हैं। कबानी तो, और दिखाओ नीचे से कबानी जैक। कबानी आप देख सकते हैं इनकी जो कबानी जैक है ये वाली, तो ये कितनी कबानियां होती हैं? 22 कबानी होती है छोटी और बड़ी मिला के। हाँ जी, तो काफी हैवी लोड ले लेती होंगी ये। हाँ काफी हैवी लोड ले भाई, काफी 350-400 मन वजन झेल सकते हैं। 350-400 मन तो ये वजन झेल सकती है। और इसका आप देख रहे हैं नीचे जो है इसमें हाइड्रोलिक जो पंप है इसका, वो काफी ईगल का है और काफी मतलब क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। जो इसका ईगल का जो आता है, इसमें जो डंपर आता है जिसमें जैक है ये, तो काफी हैवी है ये और काफी मजबूत है ये। तो इस तरीके से ये ट्रॉली बनाते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ये जो जाड़ा दिया हुआ है, ये मकड़ी जाड़े में एक तरीके से आप कह सकते हैं मकड़ी जाड़े में बनाई हुई है। तो इसमें क्या है, फरस नहीं बैठती, गहरा जाड़े है, गहरा जाड़े फरस नहीं बैठती, इस वजह से ये इस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो ट्रॉली है काफी हैवी ट्रॉली आपको मिलने वाली है। ये इसका बेस है, यानी कि एक तरीके से चेचिस बोल सकते हैं अपन। नीचे इसमें चेचिस है, आप देख सकते हैं बिजाज का चेचिस है इसके अंदर, ये नीचे दिया हुआ है। तो ये भी डाला है, ये डाला है, इसमें भी टाटा की ही चादर यूज की हुई है। आप मोहर बाकायदा मोहर देख सकते हैं, इसमें टाटा की मोहर है जो कि ये लगाते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर। और इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये जहाज के अंदर जो चादर लगाई जाती है वो चादर है, यानी कि जहाजों वाली चादर है जिसमें कि जंग नहीं लगता है और लंबे समय तक चलती है। तो हम पूछेंगे इनसे, जैसे ये 18 क्विंटल की है ये। हाँ जी। तो आपने इसकी कीमत क्या रखी है किसानों के लिए? 1,70,000। 1,70,000 रुपए। हाँ, बिना पहिए यानी कि विदाउट व्हील, बिना टायर के रिम पे देंगे। रिम पे 1,70,000 रुपए की ये आपको मिलती है। नेगोशिएबल है किसान भाइयों, आप कम भी करवा सकते हैं, ये इन्होंने फाइनल रेट नहीं बताई है। तो ये जो ट्रॉली है आपको रामगढ़ में आपको मिलेगी। यहाँ पे एड्रेस क्या पड़ेगा साउन जी? एहसान इंजीनियरिंग वर्कशॉप बालोत नगर रामगढ़। और हाईवे पर पड़ता है ये? हाँ जी, हाईवे पर, हाईवे पे पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनके पास में ट्रॉली है और काफी बढ़िया ये ट्रॉली बनाते हैं। यहाँ पे काफी किसान आते हैं लेने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये बेस है पूरा का पूरा, और इसमें जो है ये चादर है, ये जहाज में जो यूज में आती है, मैंने पहले भी बताया है, वही चादर इसमें यूज की हुई है। और ये ट्रॉली बन के तैयार है, ये वाली जो ट्रॉली है, ये वाली जो ट्रॉली है ये बिल्कुल बन के तैयार है साहू जी। हाँ जी, तैयार है ये ट्रॉली है जो बन के तैयार है। और इसमें आप देख रहे हैं वेल फिनिशिंग की हुई है इसके अंदर भी। और ये पूरा का पूरा जो है, ये आगे आप देख सकते हैं पूरी डेकोरेट की हुई है सुपर फास्ट के नाम से, और साउंड रामगढ़ के नाम से ये इन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग भी की हुई है। ये इसका टूल बॉक्स है, और ये इसका निप्पल नली है जो कि हाइड्रोलिंग के लिए आती है और ट्रैक्टर में लगाई जाती है। इसका हुक है, ये हुक है इसका। ये कितना मोटा आता है हुक? 3.5 इंच है। 3.5 इंच यानी हैवी हुक है किसान भाइयों। आप हैवी से हैवी लोड इस ट्रॉली में भर सकते हैं, आपकी जो ट्रॉली है कहीं नहीं जाएगी। और काफ़ी हैवी लोड के लिए ट्रॉली बनाते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप एक ट्रॉली कितने दिन में बना देते हैं साउन जी? 5 से 6 दिन में एक ट्रॉली कंप्लीट। 5 से 6 दिन में, तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों 5 से 6 दिन में एक ट्रॉली बना देते हैं। जैसे कोई किसान भाई ऑर्डर करता है तो 5 से 6 दिन के बाद आप डिलीवरी दे देते हैं? नहीं नहीं, वो तो हमने आप डिलीवरी तो करीबन एक महीना लगेगा। एक महीना टाइम लगता, बाकी बना देते 5 से 6 दिन में एक ट्रॉली बन जाती है। सारे ऑर्डर पे लगे, जैसे ऑर्डर के बाद में जैसे नंबर आएगा वैसे नंबर आएगा। तो इनके पास में जो ट्रॉली है वो ऑर्डर पे भी बनाई जाती है, और किसान जो होता है वैसे भी लेके जाता है, बनी बनाई भी इनके पास में मिल जाती है। तो ये जितनी भी आप ट्रॉली देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो ट्रॉली है यहीं पे बनाई जाती है एहसान ट्रॉली मेकर में ही रामगढ़ के अंदर, जो कि बालोत नगर में पड़ता है। वो ये ट्रॉली यहाँ पे बनाई जाती है। चद्दर भी ये दो है, ये वाली चद्दर है, एक तो जहाज की, एक ये नई टाटा की सीट है ये वाली भी। अच्छा, तो इसमें ये टाटा की सीट है, और दूसरी में जो हमने दिखाई थी वो जहाज के अंदर थी, यानी कि जहाज वाली थी। ये भी काफी अच्छी आती है टाटा की, इसमें भी जंग वगैरह का कोई झंझट नहीं होता, जंग वगैरह नहीं लगती है, और काफी बढ़िया टाटा की जो चद्दरें होती है काफी बढ़िया होती हैं। और
लंबे समय तक चलती हैं, तो ये जो भी क्वालिटी लगाते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर, जो भी मटेरियल लगाते हैं वो सारा कंपनी का ही होता है। और इनके पास में एक और ट्रॉली है जो बन के तैयार है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आइए, ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉली है, दिखाओ नीचे से। ये जो ट्रॉली है इसमें आप देख रहे हैं ये बन के तैयार है, ये हब एक्सल, ये हब एक्सल है ये वाला, और ये बन के तैयार है और इसमें कलर वगैरह किया हुआ है। अभी इसको उतार रहे हैं, दूसरा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इसमें कलर वगैरह किया हुआ है ताकि जंग वगैरह ना लगे। तो ये काफ़ी हैवी लोड के लिए ये इसमें कबाड़ियाँ दी हुई हैं। कितनी कबाड़ियाँ है इसमें साहून जी? 22 कबाड़ी है, 22 कबाड़ी है, जो कि हैवी लोड के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो उसके इसमें भी दो मॉडल है, एक बार पीछे दिखाओ। इसमें भी दो मॉडल है, इसमें एक तो ये जाली है, एक उसमें गाटर लगी हुई है। तो आपने पहले देखा था उसमें गाटर लगी हुई थी और इसमें जाली लगा के दी है। तो इसमें भी दो मॉडल आपको मिल जाएंगे, और भी मॉडल आपको मिल जाएंगे, लेकिन दो मॉडल तो आपको मिल ही रहे हैं। आप अपने तरीके से भी मॉडल बनवा सकते हैं। और ये इनका एड्रेस पड़ेगा, एहसान इंजीनियरिंग बालोत नगर, एहसान इंजीनियरिंग वर्क्स बालोत नगर रामगढ़, ये इनका एड्रेस पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ज़रूर बनवा सकते हैं ट्रॉली। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें चैनल लगा हुआ है, इसमें चैनल लगा हुआ है, तो काफ़ी हैवी आप देख सकते हैं, बहुत मोटी है और चैनल लगा हुआ है इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिहाज से भी इन्होंने अलग से लगाया हुआ है। इसमें भी टाटा, और इसमें टाटा की चद्दर है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये टाटा की चद्दर है। तो ये जो चद्दरें लगाते हैं वो टाटा की लगाते हैं और क्वालिटी देते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर। सब में डबल लोग हैं, दोनों पीछे डाला में भी अगला में भी। आप देख सकते हैं लोग काफ़ी ट्रॉली मेकर है जो वो एक ही लॉक लगाते हैं, लेकिन ये डबल लॉक लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है सेफ्टी ज़्यादा रहती है ट्रॉली के अंदर, डाले के अंदर, और बार बार खुलने की झंझट नहीं होती। तो ये डबल लॉक आपको यहीं पर ही मिलेगा और कहीं कोई नहीं बनाता है। चैनल भी यहीं पर ही मिलेगा, और चैनल की जो ये है शो, ये भी आपको यहीं पर ही मिलेगी, एहसान ट्रॉली मेकर में ही आपको मिलेगी, और कोई नहीं लगा के देता। तो ऐसी क्वालिटी आपको यहाँ पे ही मिल सकती है, और आप यहाँ पे ऑर्डर से अपनी ट्रॉली बनवा सकते हैं। तो ये ट्रॉली ऑर्डर पे बनी हुई है साहून जी? हाँ जी, ऑर्डर पे है ये ट्रॉली, ऑर्डर पे है। अगर आप इसमें फट्टा बढ़वाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे अलग से सपोर्ट मिलेगा, और आप यहाँ पे फट्टे के लिए अलग से सपोर्ट लगवा सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा खर्चा होता है? हाँ जी, इसका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, इसका एक्स्ट्रा खर्चा आपको देना पड़ेगा, लेकिन लगा यही देंगे। तो ये जो ट्रॉली है काफ़ी हैवी है, और ये कितने क्विंटल की है? इनका वेट सेम है, 17.5 से 18 क्विंटल वेट है, 17.5-18 क्विंटल है। तो ये 17.5-18 क्विंटल है, और इसमें जो ये दिया हुआ हुक है ये कितने एमएम का है? 3.5 इंची एम का ये है, और इसमें जो दिए हुए हैं ये पत्तियाँ वगैरह, ये भी काफ़ी हैवी है, रस्सा के लिए, बरी खींचने के लिए, बरी खींचने के लिए, ये भी काफ़ी हैवी है। और ऊपर आप देख सकते हैं डेकोरेटेड किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रॉली यहाँ पे बनाते हैं, और काफ़ी बढ़िया ट्रॉली यहाँ पे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये ट्रॉली ख़रीदना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप यहाँ पे ज़रूर, यहाँ पे एहसान ट्रॉली मेकर जो कि रामगढ़ में पड़ता है, आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, और ये ट्रॉली आपको यहीं पे भी मिलेंगी, जो कि काफ़ी बढ़िया और एडवांस टेक्नोलॉजी की ये ट्रॉली यहाँ पे बनाते हैं। तो ये थी ट्रॉली जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो साहून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसानों के लिए अपना कीमती समय निकाला और अपनी ट्रॉलियों के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपके दोस्त अमजद को दीजिए इजाज़त। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।